578 सहानुभूति दर्शन 502 विषय ध्यान इम्पोर्टेंट तारीख 12/1/2001 श्री देवचंद भाई। नमो वर्यताणम नमो सिताणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सर्वशाणम नमो समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री स्वानुभूति दर्शन पूज्य बेन श्री की तत्व चर्चा प्रश्न नंबर 502 પોતાનું અસ્તિત્વ ગ્રહણ ન થાય ત્યાં સુધી પરિણતિમાં ધ્યાન કેવી રીતે કરવું? આત્મા મિલ જાને કે બાદ તો ધ્યાન ઓટોમેટિક ચલેગા, લેકિન નહીં મિલા તબ તક હમકો ક્યા કરના હૈ? પોતાનું અસ્તિત્વ ગ્રહણ ન થાય ત્યાં સુધી, સમજો કોઈ ડાયમંડ કા હીરા ગિર ગયા આપને હાથ સે, और दूसरे का था, वो नहीं दिए तो पैसा चुकाना पड़े, वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है और इतने में ही गिरा है, और नहीं मिले तब तक क्या होगा? एक घंटा दो घंटा चार घंटा भी निकल जाए, पूरा फर्नीचर आगे पीछे करना पड़ता है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या होता है? उसको प्रयास कैसा रहता है, अंदर में टेंशन कितना रहता है, वो टेंशन के वजह से मिलना ही है करके ऐसा निर्णय है, नहीं मिलेगा तो नुकसान बहुत बड़ा है, मिलना ही चाहिए ऐसा जो अंदर में पकड़ आ गई है तो पकड़ छुट्टी नहीं है और प्रयास भी छुट्टा नहीं है। प्रयास करता है कि हो जाता है? प्रयास हो जाता है, क्यों? निर्णय कर लिया, मिलेगा तो फायदा है नुकसान से बच जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान से बचने का जो भाव है। इसी प्रकार जन्म मरण नहीं करना है, भटकना नहीं संसार में, थोड़ी देर दुखी हो जाए देर दुखी, थोड़ा सुख दुख सुख दुख ऐसा चक्कर नहीं करना है, एक गति से दूसरी गति दूसरी में से तीसरी ऐसा नहीं करना है, मुझे परमानेंट शांति चाहिए, टेम्पररी शांति नहीं चाहिए, अगर परमानेंट शांति नहीं मिली तो भटक भटक करनी पड़ेगी, कब तक करते रहूंगा, वहां से वहां झोले कब तक खाऊंगा, मनुष्य गति मिले दोबारा तो भी 9 महीना तो पेट में रहना पड़ता है उल्टे मथे अंधेरी कोठरी में मल मूत्र की खान में, कितनी तकलीफ होगी वो तो वही जाने, उस वक्त जिनको कितनी तकलीफ होती है वो तो वही जाने, अपने को रूम में पैक कर देगा तो 3x5 की रूम में पैक कर देगा, थोड़ा हवा नहीं पानी नहीं कुछ नहीं, क्या होगा? मनुष्य जन्म में माँ के पेट में भी जो 9 महीना रहना पड़ता है वैसा रहना पड़ता है, कोई बाहर का सहारा नहीं, वो भी उल्टे मथे पे सर नीचे सर पैर ऊपर ऐसा रहना पड़ता है, प्रकाश नहीं है वहाँ, ऐसे कितने भव किए जी ने, भटका है उधर से उधर उधर से उधर,
कब तक ऐसा होगा? जब तक अपना आत्मा का पता नहीं लगेगा तब तक ऐसा ही होने वाला है। राग द्वेष, राग द्वेष, कर्म बंधन, चक्कर चालू ही चालू, एक चक्कर से टूटो दूसरे चक्कर, तीसरे में ऐसा चलते ही रहता है, अंत नहीं है, अनंत काल से भटक रहा है। अस्तित्व मिलेगा तो छूट जाएगा। और अस्तित्व के लिए हमको क्या करना है, ये बात है प्रश्न। डायमंड खोजने के लिए क्या करना पड़ता था, ऐसे अपने आत्मा को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डायमंड जब तक नहीं खोजेगा तब तक खाने में, पीने में, बात करने में, टेलीफोन उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। बैंक में जाना है तो दूसरे को भेज देगा या तो कल कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। दूसरे सारे अपॉइंटमेंट रख आ दिन भर के, क्यों? पहले डायमंड ढूंढना। ये टेंशन जो साइड पे पड़ा है माइंड के ऊपर, ऐसा टेंशन क्या हमको आत्मा के लिए है क्या? आत्मा चाहिए, आत्मा का दर्शन करना है, लेकिन टेंशन है क्या इस प्रकार? पर टेंशन नहीं है तो कोई प्रयास भी नहीं होता है, होता है तो अधूरा रहता है प्रयास। जितना प्रयास हमको करना चाहिए उतना प्रयास नहीं होता है। डायमंड ढूंढने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है, प्रयास हो जाता है। ऐसे आत्मा को देखने के लिए टेंशन करना नहीं पड़ता है। टेंशन अगर लाभ दिखता है तो आ जाता है, टेंशन नहीं मिलेगा तो मैं भटकूंगा आनंद काल में, भटकना तो है नहीं, तो अपने आप टेंशन आता है। सारी दुनिया दिखती है और मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूँ, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, तो क्या प्रॉब्लम हो गए मेरे, पहले देखना नहीं चाहता, अब तो देखना चाहता हूँ फिर भी नहीं दिखता है तो मैं क्या करूँ, तो टेंशन बढ़ता है। टेंशन बढ़ता है तो प्रयास अपने आप चालू होता है। यहाँ प्रश्न ये है कि पोतानो अस्तित्व ग्रहण न था, अपना आत्मा दर्शन में नहीं आ गए, भाव दर्शन न हो तब तक अवस्था में परिणति में ध्यान कैसे करना? ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। जैसे डायमंड गुम हो गया तो माइंड में डायमंड 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 ही घूम रहा है, ऐसे ध्यान करने की चीज नहीं। जहाँ रुचि होती है, जहाँ लाभ होता है, नुकसान से बचने का है तो ध्यान तो अपने आप को कोई बचाने वाला नहीं। जन्म मरण के चक्कर से अपने आत्मा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। सदगुरु तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, किसका ध्यान करना वो बताते हैं, तरीका बताते हैं ध्यान करने का, लेकिन करना स्वयं को है और बिना टेंशन से होगा। ध्यान कैसी रीते करूं? आत्मा जब तक नहीं दिखते तब तक तो करना है, दिखने के बाद तो और इजी होगा, अपना घर एक बार देख लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं मिला आत्मा तब तक कैसे करना, क्या करना, कैसे करना, ये प्रश्नों का उत्तर यहाँ देते हैं। पहला, मने मारो स्वभाव प्रेम ग्रहण था, ये भावना एवं विचार होकर, पहले ध्यान नहीं होता, पहले भावना होती है, इस पद आत्मा की रुचि होती, उसकी वैल्यू भाषित होती है कि दुनिया में इससे बढ़िया कोई तत्व नहीं है, सिद्ध भगवान से भी अधिक मैं हूँ, मैं क्यों भीख मांगता हूँ बाहर में, उदाह क्यों अपेक्षाएं रखता हूँ, जबकि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, क्या जरूरत पड़ी गुलामगिरी करने की, अपने हाथों से गुलाम क्यों बनूं? वो गाची का बेल होता है ना, वो अपने हाथों से गुलाम बनता है, क्योंकि आंख पे पट्टी बांध देते हैं, दिखता तो है नहीं, और हसी बना के उसको गोल गोल घूमना पड़ता है। जब सुबह होती है स्टार्ट होता है कम, तो खुद ही वो लेके आता है लकड़ी ऊपर डालने के लिए, खुद झुक जाता है, आनाकानी नहीं करता है कि नहीं नहीं, क्योंकि वो तो रोज की आदत हो गई ना, छोटी खाने से तो अच्छा है ऐसा सर झुका के कर लो, तो स्वयं अपने आप वो जो सर झुकाता है फिर वो बांध देता है उसको, यहाँ पहना देता है सब कुछ, फिर घुमाओ दिन भर। ऐसे ये जीव अपने अपनी ताकत को नहीं पहचानता है, अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है, तो दिन भर की चक्कर अपेक्षाएं, अच्छे भाव बुरे भाव, दुखी ऐसा दुखी होता है, इतना करूं ये करूं वो करूं ऐसा करूं तो लाभ होगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा करके वो छोटे मोटे नुकसान से बचाने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ करना धरना में रहता है, और ये सबसे बड़ा आत्मा का नुकसान है, कुछ किया कि मरा।
ये चक्की चलती रही है, अनंत काल से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। कुछ करना 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 नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। कुछ करना है तो करने धर्म में पड़ा तो जानने देखने में नहीं है तो फिर महात्मा की सच्ची भावना भी नहीं होती। भावना वाला तो शांति से बैठ जाता है, एक बार सोचता है क्या करना है मुझे, किसमें लाभ है किसमें नुकसान है, पहले वो सोचना होता है। करना करना तो चालू ही पड़ा है। मार का क्यों करना है, लाभ क्या हो रहा है, करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन करना क्यों है हमारे, करना है तो फिर आत्मा का भावना नहीं, करना तो है ही नहीं आत्मा के सिवा कुछ भी, वो तो करना सो मरना है कि चक्कर चक्की पीसना है, बाहर का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आत्मा का ही करना है। करना पड़ता हो तो अलग बात, राजी खुशी से तो नहीं करना है, दुकान राजी खुशी से नहीं जाना है, घर का काम राजी खुशी से नहीं करना है, बच्चों की सगाई ब्याह राजी खुशी से नहीं करना है, उसका नाम आत्मार्थी है। आत्मार्थी आत्मा के पीछे ही पड़ता है, दुनिया के चक्कर में जाता नहीं, जाना पड़ता है पूर्व कर्म बस, वो अलग बात, बाकी उसको कोई पसंद नहीं है वो चीज। वही खत्म हो जाती है, राग पड़ा है अंदर में, अंदर में राग जब तक है तब तक वो आएगा, भाव क्यों आया वो नहीं बोल सकते। आप दोबारा भी वही कार्य करो, गाने लेने मात्र रह जाओ, दवा तो है आपके पास, ये तो लड़ाई है बस, तो घिसले तो क्यों होते हैं, लड़ाई करते करते सांप और नेवले की लड़ाई होती है, नेवला क्या नेवला को झेल करता है लेकिन वो एक वनस्पति स्मेल करके आ जाता है, फिर लड़ाई करता है, जब उसका वनस्पति का नशा कम होता है तो समझ आता है कि अभी मेरे को यहाँ से भाग करके वापिस सुन के आना है, सुन के आने के बाद वापिस लड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं लड़ाई करूंगा तो मैं मेरे को भी डंस मारेगा तो ढेर आ जाएगा मेरा, इसलिए वो क्या करता है कैसा भी अपने को बचा करके भाग जाता है, भाग के वो टूट जाता है वापिस आता है लड़ाई करने के लिए। तो जब तक अपनी विजय प्राप्त नहीं हो तब तक ऐसा ही चलता है, बार बार वही करना है। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते राग टूटेगा, राग टूटे तो प्रैक्टिस करूँ ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करूँ तो राग धीरे 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 कम हो जाएगा। जब तक अंदर में राग है सड़ा है तब तक तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, अभी बंद हो गए, अभी विचार नहीं आ रहे, अब सिर्फ आत्मा के विचार आ रहे और दूसरे विचार बंद हो गए, लेकिन बाद में आएंगे क्योंकि अंदर में पड़ा है, वो अंदर में निकालने के लिए प्रैक्टिस करना है, बार 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 जानने देखने की प्रैक्टिस करना है, तो धीरे 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 निकलता है, पहले अनंतानुमंदी का फिर अप्रत्याख्यान का फिर प्रत्याख्यान का, फिर मुनि बनेगा तब श्रेणी लगाएगा तब संतुलन का जाएगा तब भगवान बनेगा। गहराई में राग जैसे अनंत जन्मों के संस्कार के राग जैसे अंदर में बहुत गहरे चले गए हैं, कुछ किए बिना तो अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ तो करना ही है। ये क्या है, गहरे में अज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं इतने जबरदस्त, पूछो ये भिखारीपना है, ये पामरता है, ये पर में आसक्तियां हैं, वासनाएं हैं इच्छाएं हैं, वो एकदम नहीं निकलती है, बार 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 आत्मा का शरण लेते 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 जानने देखने मात्र रहते रहते धीरे धीरे सब खत्म हो जाते। पहला मने मारो स्वभाव केम ग्रहण पाए एवी भावना एवं विचारो करे, पूछा है क्या करना तो फिर मैं बताया कि ध्यान तो अभी नहीं, पहले तो भावना में आना, मेरा स्वरूप की इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ है, मैं इतना अद्भुत हूँ कि भगवान भी मेरा स्वरूप कह नहीं सकते वाणी के द्वारा, इतना ही मेरी महिमा है, भगवान दिव्य ध्वनि में भी आत्मा की तारीफ नहीं कर सकते, इतना बढ़िया मैं तत्व हूँ। जे स्वरूप सर्वज्ञ दिखे जानमा कही सक्या नहीं, ये पण श्री भगवान जो, भगवान को केवल ज्ञान हो गया फिर भी आत्मा कैसा है तो बता नहीं सकते, इतना महिमा है तो उसके गुण जाते रहो तो अनंत काल निकल जाए तो भी एंड नहीं आएगा उसका, भगवान का तो आयुष है, कुछ कितनी महिमा करेंगे वाणी के द्वारा, दिव्य ध्वनि में महिमा नहीं होती, ईश्वर की तो बात ही नहीं है, अनुभव अनुभव से ही होता है, घी का स्वाद कैसे होता है किसके जैसा होता है, वो तो खाओ मालूम पड़े मीठा न तीखा न ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कैसा है,
कंपेयर नहीं करता, घूर पकड़ता तो अभी थोड़ा बहुत कम कर सकते, लेकिन घी को कंपेयर नहीं करता। अनुभवनीय चीज है, इसके लिए कोई शब्द नहीं कि घी का स्वाद रहता, घी का स्वाद घी जैसा ऐसा ही बोलना पड़ता, इसके जैसा मिलता जुलता ऐसा नहीं कहता। ऐसे आत्मा का स्वरूप कैसा है, कितना अद्भुत तत्व है, इसके दर्शन मात्र से अनंत जन्म मरण का चक्र मिट जाता है। एक दर्शन मात्र से तो कितना पावर होगा उसमें, ऐसी महिमा अंदर से लगे और उसको प्राप्त करने की भावना हो। भावना नहीं है तो फिर ज्ञान नहीं कर पाए, भावना है उसकी रुचि है तो ज्ञान कर पाए। रुचि ज्ञान ध्यान ऐसा तीन स्टेप, रुचि होना पाने की, इसलिए गुरु के पास उसका स्वरूप और विधि समझना, ज्ञान लेना, फिर ध्यान करना है। अकेले रुचि से भी नहीं होता, रुचि पूर्वक बाद में ज्ञान करना पड़ेगा, ज्ञान होने के बाद ध्यान होगा। सीधा ज्ञान में बैठ जाएगा क्या, सबको छह महीने में हो जाता है, कितनी देर लगेगी, बैठ जाता हूँ ध्यान में, रुचि है नहीं, रुचि संकार की नहीं होगा कार्य। तो ध्यान पहले नहीं, पहला मने मारो स्वभाव केम ग्रहण थाय एवी भावना एवा विचार वागो, ध्यान थाय ते माटे बेसवुं जोईए एवुं नथी। इसके लिए विचार करने के लिए, भावना करने के लिए बैठना पड़े ऐसा नहीं होता, चलते फिरते आत्मा का ध्यान देता है। अपना बच्चा छोटा है 3-4 महीने का, और हम पढ़ने में रखा है, झुलाया है, अभी तो नींद में, माँ को घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, और तो कभी भी उठे रात का ही उठते हुए कोई भूख लगे तब, कोई मच्छर काटे तो, पेशाब हुए तो, पथारी नहीं हो तो होता है, रात को भी जागना पड़ता है कभी ना कभी, दिन में भी घर का पूरा काम करना पड़ता है, फिर भी अभी सोया हुआ है पाने में, किचन में है, लेकिन ध्यान किधर है माँ का, माँ का ध्यान किधर है, काम तो किचन का कर रही है, दाल भात रोटी सब बना रही है, लेकिन ध्यान किधर है। और बच्चा रोता है तब वो काम करती है कि बच्चा सो जाता है या शांत रहता है तब वो काम करती है, अगर रोटी बनाते बनाते भी अगर बच्चा रोता है तो क्या करती है, रोटी बनाना बंद करके पहले उसका ध्यान रखती है, पहले किसका ध्यान रखना। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 24 घंटा उसके दिमाग में बच्चे का ही ख्याल रहता है, क्योंकि वो छोटा है अपने आप चल फिर नहीं सकता है, उसका ध्यान रखना ही पड़ता है, इतना टेंशन देता है, मतलब खाते पीते चलते उठते बैठते सोते भी माँ को ध्यान किसका रहता है, ऐसा इधर रहना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत प्रेम है अपने बच्चे से, इतना ध्यान क्योंकि बहुत प्रेम है, और हमको इतना प्रेम नहीं है, क्योंकि बाहर भी और जगह भी कहीं प्रेम है, आत्मा में तो प्रेम है थोड़ा बहुत, लेकिन और जगह भी प्रेम है, इसलिए ध्यान बढ़ जाता है। चार चीज में ध्यान देता है तो कैसा हिस्सा आता है आत्मा, और अपना चार चीज में नहीं, अपना लिस्ट बनाओगे तो मालूम पड़ेगा कितने लोग कितनी चीजें के बिना नहीं चलता है अपना, पैर में चप्पल नहीं चलेगा, सुबह कोलगेट नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, ब्रश नहीं होगा तो नहीं चलेगा, नहाने को ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, ऐसा चाहिए, साबुन तो यही चाहिए, हिसाब लगाओ तो कितना है, इतने पदार्थों की गुलामगिरी है, इसके बिना चलता नहीं है, किस आत्मा में ध्यान कैसे लगे। आत्मा में ध्यान तो उसको ही लगता है जिसको सिर्फ आत्मा में ही प्रेम हो और कहीं भी प्रेम ना, संसार की समस्त क्रियाएं होते हो, दुनिया भर के विचार आते हो तो भी लक्ष्य आत्मा का ही रहना चाहिए, प्रेम तो आत्मा में ही होना चाहिए। इसलिए पहले कहते हैं कि अस्तित्व ग्रहण करना तो बहुत बड़ी बात है, जिसको अस्तित्व ग्रहण हो गया, आत्मा का दर्शन हुआ, उसके जन्म मरण के चक्र मिट गए, वो प्राप्त करने के लिए क्या करना, ध्यान कैसे करना, ध्यान करने से पहले ध्यान होता ही नहीं असल में, इसके पहले ज्ञान होता है और इसके पहले भावना होती है। गुरु आत्मा की बात बहुत समझा गए, लेकिन उसको रुचि नहीं है, भावना नहीं, सब ऊपर से जाएगा, समझ में कुछ नहीं है, ध्यान भी पहले नहीं, पहले भावना रुचि, रुचि के बिना कार्य नहीं होता है। बाहर संसार पूरे की रुचि छूटना और सिर्फ आत्मा की रुचि आना, तो इसके बिना नहीं होगा, देखेंगे तो रुचि करेंगे, ऐसा नहीं पहले आप कीमत चुका फिर मिलता है, बड़ी कंपनी में पहले ड्राफ्ट भेजे बाद में माल मिलता है, उधार तो मिलने का सवाल ही नहीं है, परसेंटेज भी कम रहते हैं, लेकिन पहले एडवांस पैसा भेजो तो लाइन में नंबर आएगा तब मिलेगा माल। ऐसे परमात्मा बनना है, जन्म मरण से छूटना है, गुरु की वाणी पे विश्वास है, तो पहले आपको कीमत चुकानी है,
आत्मा के सिवा की दर्दी प्रेम नहीं ऐसा होना है, ऐसी परिणति होनी चाहिए। पहला मने मावा स्वभाव केम ग्रहण थाय एवी भावना एवा विचारो करे, ध्यान थाय ते माटे बेसवुं जोईए एवुं नथी कि एक बाजू कोने बेठके होगा, ऐसा नहीं। चलते फिरते माँ का ध्यान बच्चे में रहता, ऐसे चलते फिरते संसार के सारे अन्य काम करने पड़ते हो तो भी जिसको अपने आत्मा का दर्शन करना है, अस्तित्व ग्रहण करना है, जन्म मरण से छूटना है, सारे दुखों से छूट जाना है, उसको ध्यान तो निरंतर आत्मा में ही रहता है। एक बार कोने में बैठे तो आत्मा ध्यान आएगा, सत्संग में आत्मा ध्यान आएगा, और दुकान में दुकान आती है, ऐसा नहीं होता। दुकान में भी आत्मा ध्यान में आता है, घर के काम करने में भी आत्मा ध्यान में आता है। कहेंगे कि आत्मा को दिखता नहीं है तो क्या करना, इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। जो आत्मा की विद्या बताते हैं सदगुरु की जरूरत पड़ती है। आत्मार्थी को पहले आत्मा नहीं, पहले सदगुरु की छवि 24 घंटा घूमती है माइंड के अंदर, क्योंकि आत्मा दिखता नहीं और सदगुरु तो जो आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनको पूरा रास्ता मालूम है मुक्ति का। ऐसे सदगुरु देव की वाणी कानों में घूमती रहती है दिन भर, उनका चेहरा बार बार अंदर में आते रहता है। जब ऐसा होता है तो सारी दुनिया को भूल जाता है, क्योंकि सदगुरु का चेहरा तो प्रत्येक दिख रहा है, देखा है, आत्मा देखा नहीं। ऐसा सदगुरु के आधार से सारी दुनिया को छोड़ता है, और फिर सदगुरु और आत्मा में रहता है, तब सदगुरु को छोड़ करके आत्मा में जाता है। सदगुरु के कहने वो नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन सदगुरु का कहना है इसीलिए वो कार्य कर तो आत्मा में चले जाता है। ऐसे पहले व्यक्त हमारा एक आधार होता है, गुरु है वो आधार, गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु को आधार बना है, गुरु की छवि रात दिन रात घूमे, उनकी वाणी कानों में घूमे, सावधानी रहे, चिंता का रस टूटे, ऐसा पहले होता है 24 घंटे, रात में भी दिन में भी। जब ऐसा होकर के सारे संसार को बोलता है तब दो को चल रहती है, गुरु और गोविंद। तो गुरु कहते हैं कि भाई आप तुम गोविंद के पास जाओ, यहाँ तक आ गए संसार को भूल गए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब तुमको परमानेंट शांति के लिए तुझे गोविंद के पास जाना पड़ेगा। मैं भी अपने गोविंद के पास जाता हूँ, तू अपने गोविंद के पास जा। उपवास में होता है ऐसा, तो ध्यान होवे इसके पहले बहुत कुछ घटना घटती। ध्यान थाय ते माटे बेसू जोईए एवुं नथी, परिणति पोते ध्यान दशाने लावे छे। अपना जो भावना है, भावना रूप परिणति बढ़ते 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 वही सत्संग में खींच के लेके आती है, गुरु की भक्ति में वही लेके आती है। ये अपने आप होता है, भक्ति करे तो होगा, ऐसा फिर गड़बड़ हो जाएगा वापिस। आत्मा की भावना है तो भक्ति है, तो सत्संग में आएगा तो भक्ति होगी। नहीं नहीं भक्ति, आप भक्ति करते हो और आपको मिल जाए तो मेरे को ही भक्ति करोगे मिल जाएगा, लेकिन भावना के बिना भक्ति कैसे है? वो तो एक भक्ति है, अंदर से आई हुई भक्ति नहीं, हो तो बाहर की कॉपी की हुई भक्ति है, वो नहीं चलेगी। अंदर की आई हुई भक्ति चाहिए, आत्मा में से निकलती है स्वयं भक्ति, आत्मा में से भावना निकलती है, आत्मा में से ही भक्ति निकलती है, आत्मा में से ही गुरु की महिमा, और आत्मा में से ही फिर अंदर में और आगे जाकर के ध्यान और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा वैसा वैसा अंदर में से ही सब निकलेगा। बाहर से आर्टिफिशियली भक्ति भी नहीं करनी है, प्रार्थना भी नहीं करनी है, चरणों में झुकना भी नहीं, समय आएगा सब अपने आप होगा। अंदर परिणति पोते ध्यान दसाने लागे छे, बाहर की बेसवा ऊपर ध्यान कोई आधार न सीखे। ऐसा 4 घंटे तक बैठ गया तो ज्ञान अच्छा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, चल ही नहीं इतना बैठना। ध्यान तो 1 सेकंड में हो जाए, बाद में हो सकता है कि दोबारा बैठे भी नहीं, खड़े हो जाए। ध्यान को तो ऐसा है चलते फिरते कब वेदना आया नहीं मालूम, कब बैठ जाए बस हो गया काम, इसी बात में कितना ही मेहनत करो तो नहीं भी हो। उसके लिए कोई 4 घंटा 10 घंटा बैठने की, गुफा में जाने की, एकांत में रहने की, आवाज नहीं करो ऐसा नहीं करो कुछ जरूरत नहीं। बाहर की बेसवार ऊपर ध्यान में कोई आधार नहीं, जो विवाह प्रणति असंगता अंतर्मासिका है तो आगे जाए। कैसे आगे बढ़ेगा जीव, तो अंदर में जो राग द्वेष की धारा चल रही है एक के बाद एक, उसकी असंगता हो जाए। असंगता मरे क्या, उसका साथ तोड़ दे दे। पहले बाहर का साथ तोड़ने के लिए दादाजी भावों को देखना है। जब क्रोध को देखता है तो गाली देने वाला नहीं दिखता है, जब खाने के भाव को देखता है तो रसगुल्ला नहीं दिखता है,
बाहर से सीखने के लिए रागादी भावों का अवलोकन, सिर्फ जानना देखना, सारी दुनिया से कट जाओगे अपने आप। और अब इसके आगे अब रागादी भावों को भी केयर नहीं करे तो ज्ञान के ऊपर जाएगा। और जी रागादी भाव भले है लेकिन जानने वाला तो मैं हूं अलग, क्रोध आया चलेगा लेकिन ज्ञान थोड़ा चलेगा, ज्ञान तो मैं हूं। ऐसा करके कोई भी भाव हो उसकी केयर नहीं करे, अच्छे हो चाहे बुरे हो, देखना ही बंद कर देगा। और मैं जानने वाला जानने वाला जानने वाला, ऐसा ज्ञान को ही देखे। इस प्रकार से विभाव परिणति की आशंका, आशंका माने क्या, पहले साथ देता था, साथ करता था, मतलब देखता था। जब मुमुक्षु अवस्था में था तो व्याग द्वेष के परिणामों को अवलोकन करता था, देखता था, मतलब साथ साथ लेता था। उसकी नजर कहाँ रहती थी, रागादि भावों के ऊपर। इसके पहले कहाँ रहती थी, अज्ञान अवस्था में संसार के सभी विषयों में, और राग द्वेष बहुत होते थे। अब रागादि भावों को कॉन्टेक्ट किया तो संसार को छोड़ दिया। अब कोई गाड़ी देने वाला या लड्डू रसगुल्ला दुकान नहीं दिखती है, अभी अपने भाव ही दिखते हैं। तो ऐसा करते करते असंग किसका किया, रागादि भावों को। अब रागादि भावों से भी असंगता होना है और अंदर में गहरा जाना है और ज्ञान को पकड़ना है। जो विभाव प्रणति असंग का अंतर मात्र है, प्रैक्टिस करते करते तो आगड़ जाए। आगड़ जाए मतलब क्या, ध्यान करने के लिए परिणति तैयार होती है, योग्यता तैयार होती है, अपने आप में तैयारी कर लेता है। बड़ी लड़ाई लड़ना है तो छोटा मोटा हथियार लेके जाओगे तो नहीं चलेगा, तो बोला बम तब लेके जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, अनंत काल में नहीं की ऐसी लड़ाई है। अनंत काल से वो क्रांति से वो उल्टा ही काम करते आ रहा है, चाहिए सुख और काम ऐसा किया है जिससे दुख और बढ़ गया है। सुख तो मिला ही नहीं, मुझको न मिला सुख क्षण वर्ग कंचन कामिली प्रसादों में, उल्टा ही काम किया। क्योंकि वो क्रांति अज्ञान अवस्था थी, लेकिन अभी वो अज्ञान अवस्था को टालना है जो अनंत काल से अपने ऊपर हावी है, आत्मा के ऊपर मोह, उसको खत्म करना है। तो मोह सबसे बलवान है, उसको खत्म करना है तो तैयारी भी बहुत जबरदस्त चाहिए। पूरी तैयारी के साथ जाना है, बम घोड़ा सब लेकर के जाना है। तो विभाव प्रणति ने असंग अंतर्मति था तो आगे जाए तो ध्यान करने की योग्यता अपने आप में डेवलप होती है। विकल्प में असंगता अंतर की भेद ज्ञान ये उग्रता, विकल्प आएंगे लेकिन हमको छोड़ देना है, मेरे को ज्ञान को ही जानना है, विकल्पों को नहीं जानना है। ऐसा करते करते उनसे नाता तोड़ना, मतलब जानने देखने में ही रहना है और अंदर में भेद ज्ञान की उग्रता करना है, मतलब सिर्फ ज्ञान के सिवा किसी को नहीं देखना है, ऐसी उग्रता हो। विकल्प की असंगता अंतर की भेद ज्ञान की उग्रता तथा अप्रशस्त परिचय कोई रुचे नहीं। अप्रशस्त परिचय मैंने क्या, संसार में डुबाने वाला साथ, संसारी जनों का, सगे संबंधियों का, कुटुंबियों का, जिसके विचार अपने साथ मिलते नहीं, ऐसे कुटुंबी जनों का भी साथ उनको अच्छा नहीं लगता। अगर ध्यान नहीं कर पाया तो उसको सत्संग सदगुरु ही अच्छे लगते हैं और कोई अच्छा नहीं लगता है। सामने हो जरूरी नहीं है सदगुरु, घर बैठे भी सदगुरु की याद भक्ति हो सकती है। दो दिन बाद उस विचारों में खोया रहता है, उनकी वाणी कानों में गुनती रहती है दिन रात। लेकिन संसार का दूसरा परिचय जो तारीफ करने योग्य नहीं है, अप्रशस्त है, ये कोई भी परिचय उसको अच्छा लगता नहीं है। पहले सबसे आते थे तो ग्राहक से भी बहुत लंबी लंबी बातें हैं, अभी ग्राहक जल्दी भागे लेकर, नहीं लेना तो कर नहीं खाना, भागो यहाँ से, ऐसा इतना टाइम सेविंग करता है, अच्छा नहीं लगता है। मेहमान भी आते हैं तो पहले बहुत स्वागत आदि होते थे, अब नहीं होता है। ऊपर ऊपर के मन से संसार के सारे कार्य ऊपर ऊपर के दिल से होते हैं, रुचि पूर्वक नहीं होते हैं। परिचय करना होता है लेकिन वो करता नहीं है परिचय। लोग समझ आते हैं कि आजकल क्या हो गया है, उदास रहते हो, आते जाते नहीं हो, मिलते नहीं हो, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा लोगों को लगे कि बिल्कुल छोड़ दिया लोगों का साथ। अप्रशस्त परिचय कोई रुचि नहीं, एकांत बात रुचि, अकेले में रहना अच्छा लगे उसको। अवलोकन जिसका हुआ है उसको अकेले में रहना अच्छा लगता है, दो चार जने हो गए तो उसको बोझा लगता है, रुचता नहीं अपने आप। अने देव शास्त्र गुरु नु सानिध्य हो, निरंतर दिमाग में जिनेन्द्र देव और गुरुदेव उनकी वाणी वो गुनती है कानों में,
उनका चेहरा बार बार याद आता एवा बदा साधनो होए छे। ऐसा सब परिणति आत्मार्थी की होती है, ध्यान तो बाद में होता है, पहले ये सब होता है। पर परिणति साथे एवी जातना साधनों नो प्रतिबंध कि क्या करें, अब बहुत उपाधि आ गई है, इसलिए मेरी भावना बराबर में नहीं कर सका, मेरे आत्मकल्याण की चाह प्रैक्टिस में बराबर नहीं कर सका, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो कच्चा है, अभी पक्का नहीं है। संसारी लोगों को संबंध अच्छा नहीं लगता है, बात बराबर है अंदर से, लेकिन संबंध रहता है तो वो मुझे रोकते हैं मेरे पुरुषार्थ को, ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। और देवगुरु शास्त्र के समीप ही रहना है, लेकिन समय देना नहीं मिलता है तो कोई अपनी साधना में तकलीफ नहीं होती है, उसकी साधना चलती रहती है, प्रतिबंध रूप नहीं है प्रतिकूलता। और अनुकूलता मिले, देवगुरु शास्त्र का सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, वाणी सुनने को मिले, ऐसा अनुकूलता मिले बहुत सारी, एकांत भी जो चाहिए वो मिल जाए ऐसा, तो भी उसका उसका ध्यान उसके ऊपर नहीं रहता, उसका ध्यान तो सिर्फ आत्मा के ऊपर रहता है, अपनी साधना के ऊपर रहता है। प्रतिकूलता में राजी नहीं है, प्रतिकूलता में दुखी नहीं है, अनुकूलता में राजी नहीं है, ऐसा संभव आता है एक प्रकार। कोई भी परिस्थिति उसको अपने साधना में बाधा रूप नहीं बनती है, प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, तो समझना कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। परिणति के साथ एवी जातना साधनों प्रतिबंध होता होना थी, रुकावट नहीं बनते हैं। गुरु की भक्ति मार्ग में रुकावट नहीं बनती है कि नहीं गुरु है तो भक्ति करना पड़ेगा तो अवलोकन छूट गया, ऐसा नहीं। अवलोकन पूर्वक ही गुरु की भक्ति होती है, साधना पूरी ऐसी, वो साधना सदगुरु का साथ सत्संग ये रुकावट नहीं है। अंदर की जो साधना है परिणति रूप, उस साधना में वो रुकावट नहीं है, प्रतिबंध नहीं करती है, रोकती नहीं है, साधना बढ़ाती है साधना। परिणति साथे एवी जातना साधनों नो प्रतिबंध होतो नथी। एकांत निवृत्ति देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, शास्त्र स्वाध्याय, निवृत्ति मन अकेले रहना, प्रवृत्ति में नहीं रहना, करने देने से हट जाना, शांत निवृत्ति में रहना, रिटायरनेस विश्राम जिसको बोलते, ऐसे सब होते हैं। लेकिन वो साधन उनको प्रतिबंध रूप नहीं, साधना को बढ़ाने वाले हैं। पुरुषार्थ नी ममता वालों बाहर ना अशुभ निमोतो थी छुटवा मांगे से, जो कमजोर है वो ऐसी जगह जाता ही नहीं है जहां उसके परिणाम खराब हो जाए, क्योंकि उसको आत्म कल्याण करना है, उसको आत्मा के दर्शन करना है। वो जानता है कि अगर जाऊंगा तो फिर आगे से फंस जाऊंगा। तो पुरुषार्थ जिसका बराबर नहीं चल रहा है वो तो अशुभ निमित्त से बचना चाहता है, उसके दिमाग में बचने का ही भाव आता है बार बार, इनसे बचना है, इधर जाने से रुक जाना है, घर में सादा भोजन खा लेंगे हाथ से बना करके, बाकी सब भले जाओ पार्टी में, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि वहां जाएंगे तो इतने लोग मिलेंगे बातचीत में, उधर उधर की पंचायतों में मेरा साधना रुक जाएगी, मुझे नहीं चलना है, सादा भोजन खा लूंगा, पार्टी का भोजन नहीं चाहिए बढ़िया वाला, लेकिन मेरे को तो अपने में रहना है, साधना टूटे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, वो लोग रोकते नहीं है लेकिन मैं कमजोर हूँ। जब साधना बलवान हो जाएगी तब तो जा करके भी कुछ नहीं होने वाला। जिसको आत्मा के दर्शन करना है, अभी पुरुषार्थ इतना बराबर नहीं चलता है, तो पुरुषार्थ नी ममता वालों बाहर ना अशुभ निमित्त होती छुटवा मांगे, डू लेता है, जहां अपनी साधना कमजोर होती है ऐसे प्रसंग में, ऐसे साधनों में, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देता है, बंद कर देता है। तेने बारना शुभ साधनों नो विकल्प शुभ भाव में आवे, उसको देवगुरु शास्त्र के निकट रहने का, चरण सानिध्य में रहने का, सत्संग में रहने का भाव बार बार आता है। हाँ, फिर भी कहते हैं अंदर निर्विकल्प दशा थवा मां बारना अमुक साधनो होवा जोए एवं नथी, कि नहीं गुरु का साथ मिलेगा तो ही ध्यान होगा ऐसा नहीं, एकांत मिलेगा तो ही ध्यान होगा ऐसा नहीं, घर में तो होगा ही नहीं, बहुत जंगल में मंदिर में कहीं अकेले में चले जाए तो ही होगा, ये सब अपने हमारे खुद की भ्रांतियां हैं। गुरु का साथ नहीं मिलता इसलिए नहीं होता है, ये अपनी कमजोरी को गलतियों को दागता है। गुरु आवे तो अच्छा, लेकिन दूसरे आवे तो अच्छा नहीं, तो डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, फिर नहीं होता है मेरे को, तो तेरा ध्यान दूसरों के ऊपर गया कैसे, नहीं होगा ध्यान, ध्यान ध्यान सिर्फ गुरु होंगे तो ही होगा, दूसरे नहीं आना, नहीं होने वाला।
ये सब हमारे अभिप्राय की गलतियां हैं, वो अभिप्राय की गलतियां निकले बिना ध्यान होने वाला भी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव आता है, गुरु के चरण में रहना होता है, अपनी एक पर्टिकुलर दशा पसंद है, लेकिन किसको पुरता की जिसकी मनता है उसको। फिर भी ध्यान कोई ऐसी चीज है कि ध्यान करने की जब योग्यता बढ़ती है तो पुरता इतना बलवान होता है, इतना बलवान हो जाता है कि गुरु नहीं है तो भी ध्यान होता है, नजीक में नहीं है तो भी। जरूरी नहीं है कि गुरु साथ में रहे तो ही ध्यान होगा, कि भक्ति करूंगा तो ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। निर्विकल दशा था अनुभव होने के लिए, अनुभव कैसे होता है वो समझने के लिए तो गुरु की जरूरत है, लेकिन अनुभव प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। अंदर निर्विकल दशा थवामां बाहर ना अमुक साधनों होवा चाहिए, सत्संग भक्ति सदगुरु एकांत कोई जरूरी नहीं है। दुकान में बैठे बैठे आत्मज्ञान हो सकता है, निर्विकल दशा हो सकती है कि नहीं, गुरु के सानिध्य में ही होगी, हम यात्रा पे जाएंगे वहीं होगी, यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ तो बहुत लफड़े हैं, नहीं गलत बात। अगर जब तक ऐसा लगता है तब तक हमारा पुरुषार्थ बलवान नहीं है। पहले अपने अपनी भावना और पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए, अवलोकन की मात्रा बढ़ाना चाहिए, योग्यता बढ़ानी चाहिए, ऐसी योग्यता बढ़नी, इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि बाहर के प्रतिकूल वातावरण भी हमको असर न करे, और अनुकूल वातावरण मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी अपनी साधना नहीं रुके। इतना पुरुषार्थ पहले हो जाएगा तो ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। कमजोर को ध्यान नहीं होता है, कमजोर की तो नजर भी ताकत ही नहीं है कि वो आत्मा को देख पाए, वो तो अंदर जाते ही वापिस बाहर आ जाएगा, तो कमजोरी है। कहीं भी चाहिए ना, चाहिए वाली बात रह गई ना अभी अंदर में, गुरु का सानिध्य अनुकूल वातावरण तो मैं आत्मा में जाऊं, एक कंडीशन हो गई अंदर में। अनकंडीशनल सरेंडर सिर्फ नहीं है, ऐसा होवे तो मैं ध्यान करने को तैयार हूं, नहीं तो नहीं, ये टेढ़ापन है, सरलता नहीं। किसी भी कीमत पे मैं ध्यान करना चाहता हूं आत्मा का, चाहे जैसे बात हो मैं करना चाहता हूं। तो ये नहीं, नहीं अभिप्राय में गलती है, सब रोकने वाले हैं दूसरे लोग, मेरी साधना मैं तो बराबर चल रहा हूं लेकिन ये सब की वजह से डिस्टर्ब हो जाता हूं, ऐसा है। तो अनुकूलता वाले को पदार्थों को साथ में लाना रखना चाहता है, और प्रतिकूलता वाले को दूर रखना चाहता है, कुछ पर्टिकुलर वातावरण को चाहता है तो ही मैं ध्यान कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसी पर कंडीशन हो तो मैं ध्यान करूं क्या? तो मजबूरी में करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर में रटे रोता है, किसकी हिम्मत नहीं है? नहीं वो तो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बहुत से कार्य करना पड़े, पूर्व कर्म करके आए हैं, सजा काटनी है, गुना किया है, जेल में जाओ गए तो चक्की पीसो, पर ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता। नहीं, अगर अपनी भावना बढ़ गई तो पत्थर फोड़ते फोड़ते भी आत्मज्ञान हो सकता है, ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर, ये कहना चाहते हैं चाहे जैसी मजबूरी में भी, चाहे जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी आत्मज्ञान हो सकता है, नरक में भी हो सकता है। तो ये जो ध्यान करने है, जिसको ध्यान करना है उसको ऐसी कंडीशन हो तो अच्छा, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये तो कंपलसरी नहीं है, आपकी कोई भी शर्त नहीं चलेगी। ये निकाला है यहाँ पर, अस्तित्व ग्रहण करने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या करना, पहले जब निकालो माइंड में से कचरा गंडी, कैसा होवे तो ऐसा होवे तो ऐसा होवे तो, निकले बिना तो नहीं होगा। कमजोर है तब तक विचार आता है कि ऐसा होवे तो अच्छा, क्योंकि गलत वातावरण में परिणाम बिगड़ जाते हैं, सही वातावरण में जब तक ऐसा रहता है तब तक समझना कि अभी हम ध्यान करने योग्य नहीं रहे। अभी तक ध्यान करने योग्य कब होता है कि बाहर की चाहे जैसी परिस्थिति भी उसको बाधा रूप नहीं पहुंचती है, वो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ऐसी पोजिशन में ध्यान कर सकता है, जहां कुछ भी कंडीशन है वहां ध्यान नहीं हो सकता। ये ध्यान करने, अपना अस्तित्व ग्रहण करने के लिए ध्यान कैसे करना, वो जो प्रश्न किया है ना, आत्मध्यान करना है, आत्मा के दर्शन करना है, तो जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता है तब तक ध्यान कैसे करना, ये प्रश्न है, तब तक कुछ तो करना ना, क्या करना,
तुम्हें कंडीशन नहीं चलती है। पुरुषार्थ की ममता वाला जिसका जोर अभी साधना अभी बराबर परफेक्ट नहीं हुई है, भावना इतनी तीव्र नहीं है, अवलोकन बराबर नहीं चलता है, मंद पुरुषार्थ वाला है, वो तो अपने को बचाने के लिए अपनी कमजोरी को समझता है, इसीलिए जहाँ अपने परिणाम खराब होते हैं ऐसे वातावरण में रहना नहीं चाहता है, वो तो गुरु के सानिध्य में रहना चाहेगा, सत्संग में ही रहना चाहेगा, क्योंकि अभी वो कमजोर है, उसको बाहर के सपोर्ट की जरूरत है। बच्चा छोटा है तो अपने आप नहीं चल सकता है, कोई उंगली पकड़ के चले तो ही चल सकता है, कमजोर है। ध्यान ऐसी दशा में नहीं होता ये कहना चाहते हैं, इतनी कमजोरी में ध्यान नहीं होता, क्योंकि अभी किसी का साथ चाहिए। ध्यान में तो गुरु का साथ भी छोड़ना है, गुरु सामने है तो भी नहीं देखना है। अरे गुरु की बात क्या, जिनेन्द्र भगवान भी सामने हो गए, उनकी वाणी सुनना, वाणी चल रही हो दिव्य ध्वनि में, वो सुनने को जाएगा तो भी ध्यान नहीं होगा, देखने की तो बात दूर रहो। सुनना देखना चखना सब पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद होना चाहिए, सोचना ही बंद होना चाहिए कि नहीं भगवान सामने बैठे हैं, अभी एक घंटा ही बोलेंगे तो बोले सुन कर ले, बाद में ध्यान करेंगे। बहुत देर से नहीं, प्रयत्न करे तो आती है, प्रयत्न करना पड़ता है, अभी वो कमजोर है तो फिर नहीं होता। ध्यान करने में तो किसी का साथ नहीं चाहिए, देवगुरु शास्त्र भी बाहर है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी छूटे तो सुनने मिल जाएगा, ध्यान नहीं होगा। ध्यान का विषय सिर्फ एक आत्मा है अपना और कोई नहीं, बाहर का भी सुनना है और आत्मा भी चाहिए, नहीं मिलेगा, दोधारी नहीं है बात, एक ही चाहिए, आत्मा ही चाहिए तो मिलेगा, इसके अलावा गुरु भी नहीं चाहिए उस टाइम। ये बात किया ना इधर कि पुरुषार्थ की ममता वाला बाहर ना अशुभ निमित्त होती छुटवा मांगे, बचना चाहे दूर भागे, तेने बाहर ना शुभ साधनों नो विकल्प स्वभाव में आवे, सत्संग का विचार गुरु भक्ति का ये सब विचार आवे, एकांत चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, ये सब होवे, पर अंदर निर्विकल दशा थवा में ध्यान होने में बाहर ना अमुक साधनों होवा चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, होवे तो भी नहीं होवे तो भी ध्यान हो सकता है। हमारा अगर आग्रह है कि ऐसा होगा तो ही मैं ध्यान करूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, या ध्यान नहीं होता है क्योंकि मुझे सत्संग बराबर नहीं मिलता है, गुरु का साथ नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान नहीं होता है, रॉन्ग है, अभी इतनी तैयारी में नहीं आया कि वो ध्यान कर पा रहे, अभी गलती रह गई, अभी इतनी आसक्ति इच्छाएं रह गई, सिर्फ आत्मा चाहिए ऐसा नहीं है, अभी भी यहाँ गुरु भी साथ में चाहिए, सत्संग भी साथ में चाहिए, अनुकूल वातावरण भी साथ में चाहिए, बहुत अभी तो बहुत चाहिए चाहिए पड़ा है, बहुत अपेक्षाएं पड़ी है अभी तो, अपेक्षा वालों को कंडीशन रखने वाले को कभी भी आत्मा का ध्यान होने वाला नहीं है। ये बात कहते हैं ध्यान कैसे करना पूछा, तो ध्यान ऐसा नहीं होता है, अपेक्षा रख करके ध्यान नहीं होता है। निर्विकल दशा था मां, समझ कैसे अनुभव होता है वो समझने के लिए गुरु चाहिए, इसके बिना नहीं समझ पाएगा वो जीव, क्योंकि वो उस रास्ते पे चला नहीं है कभी, लेकिन अनुभव करने के लिए अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए तो गुरु भी नहीं चाहिए, उस वक्त तो सिर्फ अकेला ही है, कोई कंडीशन नहीं रखना, कोई अपेक्षा नहीं रखना कि गुरु का साथ होगा तो ही होगा कि नहीं, ये कंडीशन नहीं चलेगी, तुमको अकेले कोई ध्यान करना है, तेरे ध्यान तेरे दिमाग में तेरे आत्मा के सिवा कोई नहीं रहना, गुरु नहीं भगवान नहीं कोई नहीं रहना, तेरा आत्मा ही रहना। अशुभ थी छुटवा शुभा वच्चे आवे छे, भक्ति वगैरह सत्संग वगैरह तो दुनिया के पापों से बचने के लिए आता है, अवलोकन भी क्यों करना है, क्या अवलोकन नहीं करेंगे, आत्मा मिला नहीं तो कहां जाएगा उपयोग बार, पूरा बुरे उधर उधर भटकेगा, तो अवलोकन करना मतलब क्या, बाहर से रस टूट जाए और आत्मा की भावना हो, इसके लिए अवलोकन करना है, बाकी करना तो वेद ज्ञान ही है, वेद ज्ञान से आत्मा मिलता है, अवलोकन से वेद ज्ञान की तैयारी होती है। अवलोकन क्यों करना है कि हमारा रस बाहर में बहुत है पंचेंद्रियों के विषय में, तो बिना अवलोकन वो टूटने वाला नहीं है, तोड़ने जाएगा तो कर्ता बुद्धि आती, कर्ता बुद्धि भी नहीं होना, अपने आप टूटना, खाने का रस पीने का रस देखने का अपने आप टूटना है, तोड़ने नहीं जाना है, वो बिना अवलोकन नहीं होता है, अवलोकन करेगा तो अवलोकन से क्या होगा, बाहर से टूट जाएगा, कटिंग हो जाएगा, और फिर अंदर जाने के लिए अवलोकन भी छोड़ करके मतलब विषय बदलना है,
पहले ज्ञान में पुण्य पाप के विचारों को जानता था, अब ज्ञान में अपने आप को जानना है। कब पूरा संपर्क टूट जाए बाहर का, दस टूट जाए और बिल्कुल अवलोकन करते करते विचार शून्य हो जाता है जब बार बार, तब फिर ऐसा करना है कि अभी वो विचारों को देखना साइड में रख करके शून्यता आते ही अपने आत्मा को देखना है, वेद ज्ञान करना है, ऐसा करना है। अशुभ की छुटवा शुभ भाव बच्चे आते हैं, अशुभ से बचने के लिए आत्मा की भावना होवे, संसार का प्रेम छूटे, इसीलिए शुभ भाव बीच में आते हैं, ये अवलोकन वगैरह प्रोसेस होता है बीच में। शुद्धता नहीं भूमिका में अपन शुभ भाव आवे, शुभ भाव तो आएगा कब तक, बारहवें गुण स्थान के अंत समय तक राग आएगा ही नहीं, राग होना ही नहीं चाहिए। ये पुण्य का भाव क्यों आया, साधनवी का प्रेम क्यों हुआ, गुरु की भक्ति क्यों हुई, वो उससे भी ध्यान तो होता नहीं, भी क्यों करना बेकार का, नहीं वो आएगा बारहवें गुण स्थान के अंत समय तक आएगा। अशुभ से बचने के लिए भी आता है और शुद्धता एक बार अनुभव हुआ फिर बाहर आ गया तब भी शुभ भाव, बाद में अनुभव इसके लिए भी ये आता है, शुभ भाव बीच में आता है, दो ध्यान के बीच में भी शुभ भाव आता है और अशुभ से बचने के लिए भी शुभ भाव आता है, वो आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कर रहे अब क्यों मैं गुरु की भक्ति में लग गया हूँ, सत्संग में क्यों आ गया हूँ, नहीं अभी तुम्हारी भूमिका जिस प्रकार की है उस प्रकार में वो आएगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं समझना कि वो आया इसलिए मैं चल रहा हूँ आगे, इससे तुम आगे बढ़ते हो ऐसा नहीं समझना, तुम तो अपने ध्यान के कारण ही आगे बढ़ते हो, आत्मा की आराधना करने से ही आगे बढ़ता है जीव, ये बात है। तो ध्यान करने के लिए थोड़ा भी किसी के प्रति अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये बात लिया है इधर, और अंदर में आत्मा प्राप्त करने की उग्र भावना और पर की रुचि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब कार्य जो है विचारों को देखने से, सिर्फ देखने मात्र से अपने आप पैदा हो जाएंगे, ऐसी जो योग्यता है वो अपने आप पैदा होती है। अवलोकन सही चलेगा और एक भी इच्छा नहीं है अंदर में, एक भी अपेक्षा नहीं है, और बार बार ध्यान में बैठते बखत वो भी बिना प्रयास के बैठना है, ध्यान में भी अपने आप बैठना हो जावे और शून्यता आवे, बैठते ही विकल्प थोड़ी देर में शून्य चले जावे, कुछ नहीं ऐसा लगे, तो समझना कि हमारी अभी आत्म ध्यान की योग्यता है, इसके पहले योग्यता नहीं है, अभी डेवलप करना बाकी है। उसके लिए भी एक ही कार्य, अवलोकन ही करते जाओ, डेवलप अपने आप हो जाएगा, कोई ज्यादा प्रयास करने की उसके लिए दूसरा कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। अनंत सुसंत चाहि बिना रात रहि तद ज्ञान मिलहि पर शांति अनंत सुदामय जन नमो पदते वरते जयते नमो पदते परते जयते। बोलो परम उपकारी सद्गुरु देव की जय।